विराजमान हो जाइए। देखिए अर्चना जी, ये मुस्कुराते हुए चेहरे कितने अच्छे लगते हैं। मुस्कुराहट किससे अच्छी नहीं लगती, और कहा भी गया है कि laughter is the best medicine। आप अगर हंसते हो तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, ग्लो बढ़ता है, आपका खून बढ़ता है। कई लोगों का तो मैंने बैंक बैलेंस भी बढ़ते देखा है। तो शुरू हो गया। खैर, हमारे यहाँ पे आज जो मेहमान आने वाले हैं, ये सालों से फिल्मों में अपने मजेदार किरदारों से पूरे हिंदुस्तान को हंसाते आ रहे हैं। तो सबसे पहले आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम असरानी साहब। असरानी साहब, महाराज। अटेंशन। बहुत 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 स्वागत है असरानी साहब आपका। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एक्चुअली सोनी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं मैं। कपिल शर्मा एशिया का नंबर 1 एंकर। अरे सर, आज दुनिया भर में कपिल शर्मा शो बहुत जबरदस्त माना जाता है। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं अपनी तरफ से और हिंदुस्तान की पूरी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से। शुक्रिया, शुक्रिया असरानी साहब। आपकी ये तालियां, ये सीटियां हमारे लिए ऑक्सीजन का काम करती हैं। मगर ये रूबरू मुलाकात हमारे लिए बहुत काम की बात है। सिनेमा के पर्दे पे आप हमको देख सकते हैं, या टीवी पे हम आपको देख नहीं सकते। तालियां बजा रहे हो, गाली दे रहे हो, जूता फेर रहे हो, क्या मालूम। मगर ये बहुत कमाल की बात है। सिनेमा के पर्दे पे हमको वही करना पड़ता है जो डायलॉग राइटर लिख के देता है, बोलना पड़ता है, और डायरेक्टर जो बोलता है। क्योंकि आपने देखा होगा 60-70 साल पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म में 80 साल का हीरो अपनी माँ को बोलता है, मैं पास हो गया माँ, मैं फर्स्ट क्लास करता। माँ बोलती है तू स्कूल कब गया था हरामखोर। आपने देखा होगा ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म में हीरो हीरोइन एक जंगल में फंस जाते हैं, तूफान आता है, बरसात होती है, आग जलाते हैं, सारी रात गाना गाते हैं, सुबह उठ के हीरोइन बोलती ये मैंने क्या किया, समाज को क्या मुंह दिखाऊंगी। मैं बोलता हूँ तू रात भर गाना क्यों गाती रही, तेरे बाप ने बोला था। कई बार रूबरू मुलाकात भारी पड़ जाती है। कैसे? मैं फिल्म सिटी में शूटिंग कर रहा था मैं। अच्छा, हमारी फिल्म थी भूल भुलैया। हाँ। और सामने चल रही थी ओम शांति ओम, शाहरुख खान की फिल्म। हाँ। तो एक पति पत्नी मेरे पास आए, 7 महीने का बच्चा लेके गोद में उनके था। बोलते असरानी साहब आपके साथ फोटो खिंचवाना है। अच्छा, मेरा बच्चा बड़ा होगा तो यार मैंने अच्छा। और बच्चे को बोले असरानी। 7 महीने का बच्चा अपने बाप को नहीं पहचानता। वाह वाह वाह, क्या बात है। क्या हुआ, सामने शाहरुख खान आया। अच्छा, तो फोटो तो खिंचाई, बच्चा मेरी गोद में छोड़ के भाग गए। मैं बोला रुको, बच्चा तो ले जाओ। मेरे गोद में पति पत्नी दोनों भाग गए। मैंने कहा बच्चा आपका, बच्चा। बोले बच्चा तो फिर हो जाएगा, शाहरुख खान काम मिलेगा। गुरुदेव, वाह वाह वाह। बस 2 मिनट और। जी जी सर, आपका मंच है आज। आप देख रहे हैं लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं साहब। मैं अर्ली मॉर्निंग जुहू बीच पे वॉक करने का टोपी लगा के 6:30 बजे अंधेरे में कोई पहचाना नहीं। हाँ। ऐसा करके मैं जा रहा हूँ चुपचाप, अंधेरे में आवाज आती असरानी। मैं बोला ये कौन है साला। मैंने मुड़ के नहीं देखा, मैं चलता रहा, पीछे बोल तू असरानी है। तू असरानी है। मैंने कहा नहीं, तू असरानी है। और सामने आ गया, मैंने देखा गेरुए वस्त्र पहन के सन्यासी, एक सन्यासी था। तू असरानी है। मैंने कहा नहीं तू है, टोपी उतार, टोपी उतार। मैंने उतार ली। असरानी है, असरानी है। क्या बात है। थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। आइए, बहुत बहुत स्वागत है। जोरदार तालियां असरानी साहब के लिए। क्या एनर्जी है असरानी साहब की, वाह। असरानी साहब मैं 81 में पैदा हुआ हूँ और पहली फिल्म अगर मैंने देखी असरानी साहब जिसमें थे शोले, कोई लगभग 50 साल होने को आए, 75 में रिलीज हुई थी शायद, उसमें भी उतनी एनर्जी आज थोड़ी और ज्यादा दिख रही है। अच्छा। गुरुदेव कौन सा च्यवनप्राश खाते हैं आप? एक्चुअली मैं सच बोलता हूँ, मैं आप जैसे लोगों से इंस्पायर होता हूँ। अरे क्या बात कर रहे हैं सर, ऐसी एनर्जी रात रात करते हो आप सब कुछ जो करते हो। जो शो जी। असरानी साहब ये जो आपने जेलर का किरदार किया जी, लोगों के मन में जेलर की इमेज क्या होती है? बड़ी कड़क, जेलर होगा तो सख्त होगा, कोई जेल में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। आपने उसमें जो लुक था आपका बिल्कुल हिटलर जैसा लुक, हाँ। लेकिन इतना लवेबल कर दिया उस कैरेक्टर को, इतना मजेदार कर दिया। वो हिटलर वाला अंदाज कैसे आया सर उसमें? मुझे मुझे रखी थी आपने बड़ी। मैं आपको एक बात बताऊं जी, कई लोगों को मालूम नहीं होगा जी, सलीम जावेद, रमेश सिप्पी, इन लोगों ने मुझे बुलाया, वर्ल्ड वॉर II की किताब दिखाई, उसमें 15-20 पोज थे हिटलर के, ऐसे खड़ा है वैसे खड़ा है। आपको पता होगा नहीं होगा, पता नहीं होगा। दुनिया के जितने भी एक्टिंग स्कूल हैं उसमें हिटलर की आवाज रिकॉर्डेड है ट्रेनिंग के लिए, एक्टरों को ट्रेनिंग के लिए। अच्छा। कारण इसलिए बार-बार एक्टरों को सुनाते हैं वो कि ऐसी आवाज जिसने अपनी आवाज से पूरे जर्मनी के नौजवानों को ऐसा प्रोत्साहित किया कि अपनी जान देने को तैयार हो गए। या खा ये हफ्ताते, ये बढ़ाया बा, ये पे या खा ये भू ये उठा ये अरे अपनी जान दे दे, मर जा उल्लू के पट्टे मर जा। जोरदार तालियां यार असरानी साहब के लिए, वाह। थैंक यू सर, थैंक यू, लव यू असरानी साहब। प्लीज विराजमान हो जाइए। अब मैं बुलाता हूँ असरानी साहब के मित्र और फिल्म इंस्टीट्यूट से इनके जूनियर रह चुके हैं लेकिन कॉमेडी के इतने दिग्गज। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम पेंटल साहब। प्रणाम। पेंटल साहब के लिए जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू। पेंटल साहब आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू। बहुत हैंडसम लग रहे हैं आप। ओह माय गॉड, मेकअप काला टिक्का लगाओ। अच्छा पेंटल साहब, आप सब जानते हैं सैकड़ों फिल्में की हैं, उमंग, जवानी दीवानी, बावर्ची, हीरा पन्ना, मेरे अपने, सत्ते पे सत्ता, रफू चक्कर और बहुत सी फिल्मों थे जो इन्होंने लड़की बनके कर दी। विकिपीडिया के पास भी वो उनका है नहीं हिसाब किताब। पेंटल साहब का पूरा नाम कंवरजीत पेंटल है, आप सब जानते हैं। पेंटल साहब एक बात बताइए, आपने सोच के रखा था कि हीरो बना तो कंवरजीत तो हूं ही, नहीं तो पेंटल बन के कॉमेडी में घुस जाऊंगा? नहीं, हुआ क्या कपिल, हमारे जमाने में जब कोई एक्टर बनने आता था ना जी, तो एक प्रथा बन गई थी कि नाम बदल दो। अच्छा। तो किसी ने कोला रख लिया, किसी ने मच्छर रख लिया। अच्छा। तो एक जमाना था जहाँ लोग अलग अलग नाम रखते थे, तो मुझे भी कहा कि तू भी अपना नाम कुछ ऐसा ही रख जो फनी हो। अच्छा जी। तो मैं क्योंकि इंस्टीट्यूट से इनके छत्र छाया में बड़ा हुआ था। नमस्कार जीतेंद्र। अच्छा। तो मैंने ये सोचा कि कंवरजीत पेंटल बहुत लंबा हो जाता है, तो मैंने फिर सोचा कि पेंटल बहुत डिफरेंट नाम है, सरनेम है, तो लेट मी कीप पेंटल। तो इसलिए मैंने अपना नाम, वो दिलों में छप गया सर पेंटल। वाह, थैंक यू। आइए पेंटल साहब, बहुत स्वागत है। प्लीज। थैंक यू। अब मैं बुलाता हूँ कॉमेडी के एक और दिग्गज, आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम मिस्टर टीकू तलसानिया साहब। जोरदार तालियां टिकू सर के लिए। टिकू सर आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू। बहुत प्यारे लग रहे हैं आप। ये आप ही का प्यार है। वाह। टिकू साहब को आप सब ये जो है जिंदगी सीरियल के टाइम से जानते हैं। इन्होंने तकरीबन 40 साल हो गए हैं कॉमेडी करते हुए और दिलों में बस गए हैं लोगों के। इनका नाम जो पूरा टिकू तलसानिया, आप सब जानते हैं। तलसानिया नाम जब दिमाग में आता है, आप बोलते हैं तो ऐसा लगता है तलसानिया जो होंगे वो कम से कम सिंघानिया जैसा रोल करेंगे। लेकिन जैसे ही आगे टीकू आ जाता है तो वो कॉमेडी में फिट हो जाता है। सर ये ये कॉमेडी में जब आप आए उसके बाद आपने टिकू फिट किया? नहीं जी, ये पहले से फिट हुआ था। अच्छा जी। बेसिकली हमारे दादाजी ने ये हमारा नाम रखा था और फिर हमने चेंज करना भी चाहा, लेकिन बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स निकालने पड़ते हैं, ये प्रूव करना पड़ता है, ये आपके पिताजी हैं, ये आपकी माताजी हैं। मैंने कहा छोड़ो, टिकू बराबर है। पर बड़ा क्यूट है सर। आइए सर, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, थैंक यू। और आज के हमारे जो चौथे मेहमान हैं वो इन सबके जूनियर हैं और शरारतों में सबसे सीनियर हैं। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच आओ शक्ति कपूर साहब। वाह वाह वाह, मजा आने वाला है आज। असरानी साहब, पेंटल साहब और टिकू सर आज हमारे शो पे पहली बार आए हैं। शक्ति सर पहले भी आ चुके हैं हमारे शो पे। अगर मैं इन सब का काम जोड़ लूं, जितना काम इन्होंने इतनी सैकड़ों फिल्में की हैं, सारा काम जोड़ लूं तो तकरीबन 200-250 साल हो जाता है। 200-250 साल से लोगों को हंसा रहे हैं। तो इससे बड़ा कोई अवार्ड नहीं हो सकता। सर आपने सुना जैसे मैंने आपके नाम लिए कैसे लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है नाम सुनने से ही। और आपने फिल्मों में इतना काम किया है और ये हमारा सौभाग्य आज आप हमारे शो पे आए हैं। मैं कपिल एक बात कहना चाहूँगा कि नो डाउट हमने अपनी तरफ से जो जो कोशिश करनी थी कि जितना मुस्कुराहट लोगों के चेहरों पे लाना चाहते थे लाए, लेकिन सबसे ज़्यादा क्रेडिट मैं आपको दूंगा और ये सच है कि आपने इस प्लेटफॉर्म पे कॉमेडियंस को बुला के और कॉमेडी को जो रिस्पेक्ट दी है, आई थिंक आई शुड स्टैंड अप एंड क्लैप। सर सर सर, ये बहुत बड़ी बात आप बोल रहे हैं और हमने तो ख्वाब में भी नहीं सोचा था कभी आपसे मुलाकात करेंगे। अरे और आज आप हमारे शो पे आए, ये ऊपर वाले की मेहरबानी है सर। थैंक यू, थैंक यू सर। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप तीनों ने हमारे शो पे आने में इतना टाइम कैसे लगा दिया? आपको हमारे शो का पता नहीं था या आपको ऑटो नहीं मिल रहा था तीनों को साथ में? शेयरिंग ऑटो। ऑटो तो आज में नहीं मिल रहा था, मैं गाड़ी में लेके आया हूँ। वो बात अलग है कि रास्ते में 3-4 बार धक्के मारने पड़े गाड़ी को। इनको वो दूसरी बात है, बट एक बात अर्चना जी, बड़े मज़े की बात है जब मुझे मैसेज मिला कि ऐसे ऐसे शो में असरानी जी, टिंकू जी और पेंटल साहब आ रहे हैं तो आप आना चाहेंगे? हाँ। मैं कि सबसे पहले मैं ये दुनिया को इतला दे दूं कि जो ये 3 मस्केटियर्स बैठे हैं, हाँ। हम लोग इंस्टीट्यूट के हैं, FTII के तीनों। हमारे फिल्म इंस्टीट्यूट के अंदर आज तक ये चल रहा है, हाँ। चाहे सालों साल हो गए हमको वहाँ से अपना डिप्लोमा लिए हुए, कि अभी भी अगर असरानी जी मुझे बोले जूनियर शक्ति कपूर कम यार, मैं ऐसे भागता भागता जाऊंगा। यस सर, स्टैंड अप, रिलैक्स, ओके, गो टू हेल, गो टू हेल। लेकिन मेरा सफर एक खलनायक से विलन, आज भी विलन के रोल कर रहा हूँ, लेकिन कॉमेडी शुरू की। जब कॉमेडी की मैंने पहली फिल्म की, वो पेंटल साहब थे, उसमें सत्ते पे सत्ता थी। वाह, बड़ी बड़ी प्यारी, बहुत अच्छी फिल्म थी। और जब मुझे राज सिप्पी ने बोला कि आप कॉमेडी का रोल करेंगे, तो मैंने कहा यार अच्छा वाला ये विलन का रोल का धंधा चल रहा है, क्यों कॉमेडियन बना रहे हो यार? बोले नहीं, ये 7 हीरो हैं। और जब स्क्रिप्ट सुनी क्या, कादर खान साहब ने कैसेट सबको बांट दिए, सबके रोल उसमें थे, मतलब डायलॉग को। अच्छा जी। उसके बाद एक फिल्म आई माहवाली, तो पहला शॉट था कादर खान साहब मुझे चांटा मारते हैं, धाड़ में नीचे। सेकंड शॉट अरुणा ईरानी, वो चांटा मारती है, मैं नीचे। फिर तीसरा जैसे मैं नीचे हूँ तो वो जीतू साहब कूल्हे पे मेरे लात पड़ती है, मैं फिर नीचे। मैं कहा मेरा करियर खत्म। मैंने कहा इन लोगों ने मेरे जिस्म का कोई भी इलाका नहीं छोड़ा जहाँ पे मुझे मार नहीं पड़ी हो। कादर खान साहब के पास मैं गया, सर मैं आपके चरणों को हाथ लगाता हूँ, मेरी शाम की टिकट करा दो। मुझे ये फिल्म नहीं करनी है, मेरा करियर खत्म हो जाएगा, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है। कहता हूँ हमको पता क्या क्या करता है तू। फिर ये अपना वीरू देवगन साहब फाइट मास्टर थे, उन्होंने मुझे कोने में ले गए और मेरे कान में बोला, तक शक्ति पंजाबी में बोला, मैं यह पिक्चर देखी है, अगर तू रोल करेगा ना, तू अगर चंड खानी है तो खा, लत खानी है तो खा। मैं कहा खाना भी मिलेगा, वो भी खा। तू खा और बेशर्मा वाकन खा। अच्छा। तू एक जो पिक्चर रिलीज होगी तेरे को क्या नाम मिलेगा, पर हुआ वही। अच्छा। क्या बात, मवाली जब हिट हुई, मेजर हिट हुई। अच्छा असरानी साहब, आपने इतने मजेदार किरदार किए हैं जी, और ज्यादातर कॉमेडी रोल्स किए हैं, आप इतने हैंडसम हैं, अब शुरू से He's very surprised. तो आप शुरू से ही कॉमेडियन ही बनना चाहते थे, या मन में कभी ये भी था कि मैं रेखा के साथ या जीनत मान के साथ हीरो भी आऊंगा? ऐसा कोशिश तो बहुत की। मगर मैं फिल्म शूट में था, तो वहाँ की डिप्लोमा फिल्में बनती थी 10 मिनट की, तो अच्छा मेरे 3 फिल्में लेके मैं बॉम्बे आ गया, वो डब्बों में आती थी। अच्छा जी। तो मैंने छोटा सा शो रखा। अच्छा जी। तो उसमें आ गए एलवी प्रसाद डायरेक्टर प्रोड्यूसर, BR चोपड़ा, प्रमोद चक्रवर्ती और एक साहब यश चोपड़ा वगैरह सब थे। अच्छा जी। मेरी 3 फिल्म देख के बाकी सब तो उठ गए, एक आदमी बैठा रहा। अच्छा जी। एलवी प्रसाद। अच्छा। साउथ के प्रोड्यूसर डायरेक्टर, बहुत बड़े, बाद में बहुत उनका मैंने फिल्म में काम किया। तो मैं देखता रहा कि ये मुझे काम जरूर देगा, बेचारा अकेला बैठा हुआ है। मैं खड़ा हो गया, जाने लगे, बोले भाई क्या रोल दें आपको, कुछ समझ में नहीं आता। हीरो आप लगता नहीं। विलेन हमारे पास बहुत हैं। कैरेक्टर आर्टिस्ट की कमी नहीं। मैं क्या रोल दूं आपको? मैंने कहा सर क्या करूं मैं? नहीं बैठे रहो, वापस जाओ। तो मैंने कहा मैं तो जयपुर जाता, वहीं जाओ। मैंने डब्बे उठाए और वापस चला गया पूना, जयपुर नहीं गया, जयपुर मारेंगे लोग, डब्बे लेके आ गया। वापस पूना गया। हाँ। लेक्चरर बने। तो शुरू में ये बड़ा हमारी स्ट्रगल इतनी जबरदस्त थी कि मतलब पूना से हर हफ्ते हम लोग आते थे स्ट्रगल करने। कम एक्टिंग कोर्स करने के बाद 5 साल लग गए, लोकल ट्रेन में आना, पूना से बॉम्बे, बॉम्बे जाना। और पहली फिल्म मिली गुड्डी। हाँ, बड़ी बड़ी गुड्डी, ऋषिकेश मुखर्जी साहब की, जिसने मुझे मेरी पहचान कराई। वो भी कैसे मिली, मैं ऋषिकेश मुखर्जी का आपके पीछे जाता था। हाँ। मैं 5 साल से लगा था उनको बंगले पे, बोले अंदर मत आना, कुत्ता है, कुत्ता है, कुत्ता है। जैसे मैं आऊँ 3 कुत्ते छोड़ देवे। मैं बोलूँ दादा नमस्कार, कुत्ते बोलते वापस। एक दिन आ गए, एक दिन गुलजार साहब, 2-3 बंगाली असिस्टेंट, खुद ऋषिकेश मुखर्जी जीप में आके पूना फिल्म शूट में उतरे। बोले असरानी, अरे मैंने कहा आपको रोल मिला। तो बोले इधर आओ, इधर जय बहादुर कौन है? अरे मेरे हाथ चल। जय बहादुर कौन है? मैंने मेरी माँ है। ऐसा लगा बोलूं, बोला नहीं। ये अभी सोच के चेंज किया। मैं आपको 1 मिनट खत्म नहीं हुआ रे। ये परसों तक चुप नहीं होगा। मुझे कपिल बोलते थे कि शक्ति तू चुप नहीं होता, आज मेरा बाप सामने। नहीं तो मुझे बोला जय बहादुरी कहाँ पर है, देखा है? मैंने कहा सर वो तो है स्टूडेंट है, वो कैंटीन में चाय पी रही थी। मैं गया उनके पास, मैंने कहा ऋषिकेश मुखर्जी मिलना चाह रहे हैं, हाथ से प्याला टूट गया चाय का, ऋषि काकू, और वो आ गए। तो उन्हें अच्छा अच्छा ये है देखा, उनको चाहिए था गुड्डी में लड़की। तो मैंने इनके असिस्टेंट से पूछा कि यार ये तो इनको ले लेंगे, मेरा कुछ है क्या? बोले नहीं, हम कुछ बोल नहीं सकते, ये बड़ा खतरनाक आदमी है ऋषिकेश मुखर्जी, अगर जरा भी कहानियाँ बता दी मारेगा। तो मैं गुलजार साहब को मैंने बोला, गुलजार साहब लड़की ले रहे हैं जया बहादुरी को, मेरा कुछ है क्या? बोले यार तू बोलना नहीं, उसमें छोटा सा रोल है, जो लड़का हीरो बनने आता है एक्स्ट्रा बन जाता है, मगर बोलना नहीं, मेरा नाम मत बोलना रिश्ता को। ठीक, रिश्ता आ गए, बस बैठने वाले गाड़ी। मैंने कहा दादा प्रणाम, 4 साल हो गए हैं। बोले हाँ मालूम है। ये लड़की कैसा है, डांस वांस करता है? मैंने कहा बहुत करता है। मैंने कहा मैं भी कर सकता हूँ। चांस तो दे यार। नहीं नहीं अभी तो हम देखो, हम चिट्ठी लिखेगा, अगर हमको इनका स्क्रीन टेस्ट हो, जब चिट्ठी इधर आएगा तो तुम आके हमको मिलना। मैंने ठीक है जी सर, अब कब आएगी चिट्ठी क्या मालूम। तो मैंने कहा दादा एक लड़का गांव से आज, कौन बोला तुमको? वो हीरो बनने आज किले साक्षी रह जाए मेरे। अरे तो गुजरात में नहीं, तुम साक्षी रखी की बोल से तुमने खाल से गाड़ी में बैठ के चले गए और चिट्ठी आई। मैं चिट्ठी से पहले मैं पहुंच गया। तुम क्यों तुम कैसे आ गया? एनीवे साहब वो 2-3 सीन किए मैंने, गुड्डी फिल्म सुपरहिट हो गई, क्या बहादुर सुपरस्टार बन गई और मुझे 8 फिल्में मिल गई गुड्डी के बाद। वाह वाह वाह। जैसे टिकू सर और शक्ति सर का ना बिल्कुल आंकड़ा उल्टा है। जैसे शक्ति सर हैं, इन्होंने जितने खतरनाक रोल किए ना, मैंने सुना है कि बैंक में अपने पैसे भी जमा कराने जाते थे ना, तो वो कैशियर अलार्म बजाता था पुलिस को कि शायद डाकू आ गए। टिकू सर का उल्टा है, ये इतने क्यूट लगते ना कि इनकी बैंक की कोई EMI लेट भी हो जाए ना तो बैंक का लगेगा कोई नहीं आ जाएंगे, क्या जाएंगे, इतने क्यूट है टिकू सर। टिकू सर आपकी क्यूटनेस का कभी आपने फायदा उठाया? मैं एक बार नो एंट्री से जा रहा था, पुलिस वाले ने मुझे पकड़ा, बीवी भी साथ में थी। और कौन साथ में था? हाँ बीवी साथ में। किसकी? मेरी। यार ये ना, ये आदमी बदनाम कर देगा मुझे। अपनी बातें मुझ पर थोप रहा है। अब मुझे पकड़ा, उन्होंने साइड पे रोका और वही ट्रैफिक हवालदार, अरे सर आप हैं? बोले हाँ मैं हूँ, क्या चाय पानी लेंगे? तो बीवी बोलती कमाल है, और इनको पकड़ते हो तो चाय पानी देते हो। और फिर मुझे कह रहे हैं कि आज हम घर पे जाके बताएगा हमने आपको पकड़ा। तो मैंने कहा मैं घर पे जाके बताऊंगा आपने मुझे छोड़ा। वाह यार वाह। तो these are the things which हमको you know, एक कहते हैं ना कि ये सारी चीजें मिल जाती है once you're known and you know। जी टिकू सर शुरुआत कैसे हुई थी आपकी, आप कैसे आए फिल्मों में? मैं एक्चुअली थिएटर करता था। फैमिली में कोई था आपके एक्टिंग फील्ड में? नहीं नहीं कोई नहीं था, मेरे पिताजी तो डॉक्टर थे। अच्छा जी। और मैं एक ही था जो। आप भी सीनियर लॉयर लगते हैं हाई कोर्ट के। है ना, आज पहना भी है। काश बनता। फिर एक प्ले हमारा देखने आए थे, ये जो है जिंदगी के हमारे डायरेक्टर, तो उन्होंने देखा, बोला छोटा सा रोल है करेगा। मैंने कहा ये जो है जिंदगी में कोई कौन नहीं करेगा, कुंदन शाह साहब थे। अच्छा। तो हम गए तो लाइन में बस ये क्या हो रहा है लिखा हुआ था 5-6 बार। बोले ये बोलना है? बोले हाँ, जब भी तेरे को बीच में ऐसे दिल लग करे ना तो बोल देना ये क्या हो रहा है। बस बोले ओके ठीक है बोल देता हूँ। और पता नहीं किस तरह से बोल दिया या क्या जोर लगाया मैंने। सो फेमस दैट लाइन बिकेम। क्या हो रहा है? 50,000 तरीकों से बोला था तुमने, अलग अलग तरीकों से। ये क्या हो रहा है? मुझे अपना टैलेंट दिखाना था। बस वहाँ से बस शुरुआत हो गई। अच्छा हमारे शो में ना पेंडल साहब कभी कभी लड़के लड़कियां बन के आते हैं। ये आइडिया हमने रफू चक्कर से लिया था जब आप पहली बार लड़की बने थे और आप लग भी बड़ी खूबसूरत रही थी। नहीं जब वो आप वो सीन शूट कर रहे थे तो टाइम लगता है शूट करने में, बीच बीच में कभी बाथरूम भी जाना पड़ता है, तो फिर कौन से वॉशरूम यूज करते थे आप? कंफ्यूजन नहीं हुआ किसी को देख के? नहीं कंफ्यूजन नहीं होता था, बस उनकी आंखें बाहर आ जाती थी जब हम जेंट्स में जाते थे। बट कपिल, आई मस्ट शेयर वन थिंग, एक पिक्चर हमने की थी तरकीब। अच्छा जी। मिठून एंड मैं भी था। हाँ, इसी की बात बता रहा हूँ। उसमें एक सीक्वेंस ऐसा था जिसमें इसको लड़की बनना था, एंड बिलीव मी ये लड़की बन के इतना कॉन्शियस था, तो हम खास इसको छेड़ते थे, ना करना यार, जरा से ना करना यार, ये पानी पानी हो रहा था शर्म के मारे। अरे यार देखो, कोई लड़की बनता है तो यूं करो ना, जो ये जो करते थे तो वो कोई किसी के साथ भी ना करेगा। अरे सच्ची बोल रहा हूँ, और दोनों मेरे सीनियर इंस्टीट्यूट के, और मैं इनका जूनियर, और जहाँ वो शॉर्ट कट हो मैं जाके बैठूं, और ये दोनों का एक का, मतलब ओफ माय गॉड। बस बस हो गया, समझ गए। आज तक दर्द होता है। दिल में। अच्छा, 1970 में हमने सुना कि जब उमंग फिल्म बनी तो असरानी साहब और पेंटल साहब दोनों न्यू कमर थे, मगर पेंटल सर को बोलते कि ज्यादा पैसे मिल गए। असरानी साहब, ये सच्ची बात है असरानी साहब? यस, मैं बताता हूँ। हम सब लोग साइन हुए, इट वाज फिल्म बाय गुरुदत्त फिल्म्स, तो उन्होंने हम सबको बोला और कहा कि जो डांस अच्छा करता है उसको लेंगे। तो सबसे पहले मुझे घुसेड़ दिया डांस के लिए, तो मेरे जो आता था ना सारा पिटारा खोल के रखा। अच्छा। उसका असर ये हुआ कि ही सेड वेरी गुड। तो महीना 2 महीने गुजरे होंगे, पहली तनख्वाह 700 रुपया महीना, असरानी साहब, मैं, सुभाष खई, हम सबको 700 रुपये महीना। Which year is this? 69। 69। Wow. तो 700 रुपये महीना पहला चेक मिल गया। दूसरे चेक से पहले पता नहीं क्या हुआ, आत्मा जी को कुछ मुझ में एक्स्ट्रा दिखा होगा, तो ही सेड मैं तुझे 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट में रखना चाहता हूँ। अच्छा। ऐसे जरूर। तो उन्होंने कहा पहले साल 700 रुपया महीना चलेगा, दूसरे साल 1000, तीसरे साल 1250, इस तरह 250-250 रुपये मैं बढ़ाता जाऊंगा। तो मैं थोड़ा ड्रामा किया कि नहीं कम है ये, तो अच्छा बताना कितना, चिढ़ गए, बताना कितना। मैंने कहा पहले साल 1000, फिर 1500, फिर 2000, फिर 2500, इस तरह। अच्छा ठीक है। तो जब चेक आया तो सबको पता लग गया कि पेंटल को 1000, क्योंकि हीरो को और पेंटल को 1000 मिल रहा था। अच्छा। इन सबको 700। तो उसके बाद जब भी मौका मिलता था, जब कभी हम बैठते थे आराम से जी, तो ये 700 की खुजली निकलती थी सुभाष की, तूने ज्यादा पैसे लिए हमसे। असरानी साहब, आपने 300 रुपये कैसे वसूले फिर इनसे? तो सुभाष गई और हमको लगा यार ये इसका आंदोलन करना चाहिए, ये गलत है जी। सब फिल्म इंस्टीट्यूट से हैं, थोड़ा डांस अच्छा आता है तो इसका क्या मतलब। तो सुभाष गई हमारे लीडर। अच्छा जी। और 2-3 और को तैयार किया, बाकी सब भागे, मैं साथ में था। अच्छा जी। ऑफिस, आत्माराम जी के ऑफिस में नॉक किया, आपसे मिलना है। बुला जाइए सर, ये क्या है आप हमको 700 रुपये देने और लोकल पास अंधेरी टू चर्च गेट, उसका क्या फायदा, और उसको 1000। बोले सुभाष तुमको डांस आता नहीं। बोले डांस हम कर सकते हैं। मेरे आता नहीं, कर क्या सकते हो, देख लिया ना। उसमें डांस नहीं आया, एंड तक नहीं आया। उसमें हमारे कैरेक्टर थे FTII अगेन बलदेव खोसा, जो MLA भी बने बाद। जी। तो बलदेव खोसा साहब को भी ले लिया गया था। अब उनकी पंजाबियत बहुत आती थी हिंदी में। हाँ। तो उन्होंने कहा यार मेरे बहुत पंजाबी आती है हिंदी में, मुझे कुछ करना चाहिए, करो। तो उन्होंने उर्दू का टीचर रखा। अच्छा। वो घर पे आके उनको उर्दू और हिंदी सिखाता था। महीने बाद हम मिलने गए तो वो सत श्री अकाल कर रहा था उर्दू। उसकी उर्दू खराब हो गई थी। गुरुदत्त फिल्म्स जो हम काम करते थे, एक फिल्म बनाई थी ये गुलिस्ता हमारा। अच्छा जी। उसमें देव साहब, देवानंद हीरो, आत्माराम जी डायरेक्टर। सबसे पहले 4 बजे जगने वाले देवानंद। अच्छा जी। जैसे आपके अक्षय कुमार को 4 बार पकड़ा ना आपने, आप 4 बजे सबको जगा देते हैं। सेम थिंग देवानंद साहब। अच्छा। तो एक फिल्म कर रहे थे हम कलाबाज। अच्छा जी। खजाने की तलाश में हम नैनीताल जाते हैं, और रास्ते में इनको मालूम पड़ जाता है कि खजाना कहाँ पर है। एक पुजारी जो बोट में बैठा है बता देता, हंगल साहब प्ले कर रहे। अच्छा जी। हंगल साहब बोट में मर जाते हैं, उनकी लाश को मड आइलैंड पे उतारते हैं। अच्छा। और देव साहब को उस पिक्चर में, जो गुरुदत्त फिल्म थी, उसमें उनको रोने का सीन था। लोगों ने उनको बोला किसी ने कि आप स्क्रीन पे रोते हुए बहुत खराब लगते, मत रोइए। अच्छा। अब उनको याद आया, अशोक रॉय डायरेक्टर, सर ये बाबा ने आपको सब बता दिया खजाना, अभी थोड़ा सा आपको आंसू आएंगे। आंसू सुनते ही देव साहब कि जैसा बहुत सेंटिमेंटल सीन है साहब, इस पुजारी ने आपको सारा खजाना बता दिया, खजाना बता दिया, आपको सिर्फ खजाना अटैचमेंट होगी बाबा से, अभी आपको आंसू आएंगे। वो खुद रो रहा डायरेक्टर। अच्छा। उसको देख रहा देवान। अशोक बंदा कमाल। प्रभु वो हंगर साहब लेटे हुए, डायरेक्टर को कंधे पे हाथ रखा देवानंद ने। अशोक यू आर वेस्टिंग टाइम, आदमी मर गया, बाबा ने खजाने का पता बता दिया। कट। अशोक बाबा मर गया, मर गया, मर गया। वो हंगल साहब टेक करते हो क्या? टेक ये क्या चल, ये क्या चल। वाह वाह वाह, क्या बात है। So I should know the man is dead. He finished. Take. Chup yaar. What do you want? What's your problem? What's your problem? Why? You're talking. You're discussing. नहीं चाहत, वो बोलते हैं मेकअप, चादर चादर हटा हट जाएगी तो मेकअप कर लूँ। मैंने मरा हुआ है तुम, कैसे मेकअप? क्या बोल गोइंग ऑन ये वो हैपनिंग हो गया। कम ऑन हंगल हंगल हंगल। अशोक बाबा मर। एक मिनट जी सर, प्लीज प्लीज। मैं इनको रोल सुनाने गया, हंगल साहब के बात करता हूँ। ये इनकी शॉप थी यहाँ पे क्रॉफर्ड मार्केट में। ये बेसिकली टेलर, टेलरिंग की शॉप। अच्छा, टेलर। और टेलर भी कैसे, ओनली डिप्लोमेट्स के कपड़े सीते थे और ऑर्डिनरी आदमी के नहीं। अच्छा जी। तो मैं इनके पास सुनाने गया, चला मुरारी का रोल सुनाने। मैंने कहा सर आप एक टेलर हैं? कहते हो तो मैं हूँ। क्या बात है। असरानी साहब की बातें सुनकर लगता है कि इनको कोई स्क्रिप्ट भी देता था कि अपने आप ही शुरू हो जाता था। नमस्ते टीकू जी, नमस्ते बेनी, नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं? हाय हाय हाय। शक्ति जी नमस्ते। क्या बात है, तो मुझे देख रही हैं आप? देख रही हैं। एकदम बड़े बड़े बेस्ट आए हैं आज। बड़े बड़े गेस्ट आए हैं। नहीं गेस्ट हैं, लेकिन इंडस्ट्री के बेस्ट हैं, तभी तो यहाँ पे गेस्ट हैं। क्या वाह, थैंक यू। असरानी साहब, जब भगवान ने इनको बनाया ना तो वो दुविधा में पड़ गए। क्यों? कि इसको टायर लगा के गाड़ी बनाए। फिर किसी के कहने पे उन्होंने जान डाल दी। हम अपना इंट्रोडक्शन दे देते हैं। हाँ। हम हैं गुड़िया लॉन्ड्री वाली, जिसका कपड़ा गंदा नहीं उससे हमारा धंधा नहीं। वाह वाह वाह। वैसे मानना पड़ेगा क्या, बॉलीवुड के दिग्गज आए हैं यहाँ, बड़ा खुशी हो रहा है। आप लोग सबको कितना हंसाते हैं, कितना गुदगुदाते हैं, सच में मतलब समाज से बहुत कुछ लिया है आप लोगों ने। समाज को दिया है इन्होंने। नहीं नहीं, लिया भी है, गाड़ी बंगला पैसा ऐसा बहुत कुछ लिया है। यहाँ पे शक्ति कपूर जी भी हैं। ये समाज जब इनको कुछ देता नहीं है, छीन के भी ले लेते हैं। ऐसा फिल्मों में देखा है हमने, वो विलन वाले रोल भी करते हैं। इसलिए हमारी कोई बात को सीरियसली मत लीजिए, हम बस जोक बनाते हैं। सिर्फ जोक ही नहीं बनाती सर, ये गेहूं की बोरी में बैठ के आटा बना देती है 5 मिनट में। शर्मा जी, पेंटल जी यहाँ पे पहली बार आए हैं जी। आपने इनको ये मोहल्ला दिखाया, अर्चना जी दिखाई, बैंड दिखाया, थोड़ा वो भी दिखाइए ना। क्या? चुप रह कर। देखिए आप काफी इंटेलेक्चुअल लगेंगे, एक बार ट्राई करके देखिए, अच्छा लगता है, सब पर्सनालिटी आता है। असरानी जी वैसे एक बात बताइए, आप हमारे नाना जी को तो जानते होंगे ना? वो कैसे जानते होंगे? नाना जी हमारे आप जैसे अंग्रेजों के जमाने के जेलर थे, हमारे नाना जी अंग्रेजों के जमाने के कैदी थे। अच्छा। हाँ। और आपको पता है अर्चना जी अरेस्ट कैसे हुए वो? अच्छा। तो अंग्रेजों के जमाने वो लाल कपड़ा पहन के अंग्रेज सिपाही नहीं होता है, उससे जाके कहते हैं परसों मेरे घर में शादी है, जरा आके बैंड बजा दोगे? उसने बैंड बजा दिया, लेकिन हमारे नाना जी का जेल में डाल दिया। लेकिन हौसला नहीं हारे हमारे नाना जी, उन्होंने 20 किलोमीटर लंबी सुरंग खोदी, फिर भी निकल नहीं पाए। क्यों? नहीं, बहुत सीधे आदमी थे ना, तो सीधी सीधी नीचे सुरंग खोद दी। पानी निकल आया लेकिन वो नहीं निकले। उनकी याद में वहाँ पे उन लोगों ने अब एक हैंडपंप बना दिया है। उसके इनॉग्रेशन में जब पहली बार हैंडपंप चलाया तब जाके नाना जी निकले। क्या बात है, सबको लगा हैंडपंप ने बच्चा दिया है। असरानी जी खाने पीने का बड़ा शौक रखते हैं ना आप? हाँ। तभी हमने देखा है सारी खाने पीने वाली फिल्में की हैं इन्होंने। गरम मसाला, खट्टा मीठा, नमक हराम, हलचल। हलचल कहाँ खाने की चीज है? थोड़ा सा गरम मसाला ज्यादा खाइए, पेट में ऐसा हलचल मचेगा ना आपके पता चलेगा। अरे बातों में शक्ति जी हम तो भूल ही गए, आपने हमको वो अपना वो राजा बाबू में जो आप कपड़े पहनते हैं आपने हमको धोने के लिए दिए थे, हम लेकर आ गए हैं, ये रहे। ये तो सिर्फ नाड़ा है, कच्चा कहाँ है? नाड़ा ही मेन होता है, फालतू में कच्चे को क्रेडिट मिलता है, इज्जत बचाता कौन है? आपको बताएं, आपके तो इतने बड़े फैन हैं हमारे चाचा जी, वो जब अपना शादी पे गए थे ना तो आपका राजा बाबू वाला कपड़ा मतलब कच्चा पहन के शादी करने चले गए। नाड़ा यहाँ तक लटक रहा है। प्रॉब्लम तो तब आया जब घोड़ी पे चढ़ रहे थे, नाड़ा घोड़ी के पैर के नीचे फंस गया। अब चाचा जी घोड़ी के ऊपर हैं, कच्चा घोड़ी के नीचे है। लेकिन बाराती भी इतने पिए हुए कच्चा उठा के घोड़ी को ही पहना दिए। हो जाता है कभी कभी, क्या करें। टिकू जी आप कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ। आपको पता है दिन में 10 बार आपका नाम लेते हैं हम। का है? हाँ, कोई हमसे पूछता है कैसी हो, हम कहते हैं टिकू। वैसे बातों बातों में एक चीज मेन तो हम भूल ही गए, दरअसल क्या है हमारे लिए बहुत सारे रिश्ते आते हैं बड़े बड़े लोगों के। अभी एक फॉरेनर आदमी है, उसका रिश्ता आया है, पर हमको टेंशन हो रहा है कि शादी करके कहीं हम फॉरेन चले गए तो कपड़ा धोने का धंधा तो हमारा ठप हो जाएगा। क्यों? वहाँ पहनते कहाँ है? नहीं, हमने देखा है बीचेस पे कुछ एकदम बहुत कम पहनते हैं वो। सारा दिन बीच में थोड़ी रहते हैं, घर पे भी तो रहते हैं वो। जहाँ 50 लोग देख रहे हैं वहाँ कुछ नहीं पहन रहे हैं। घर पे जब कोई नहीं देख रहा। फॉरेनर लड़का है, उसको हम यहाँ पे बुला लिए हैं। अच्छा। क्या है आप बड़े लोग हैं, आपका थोड़ा राय हमको चाहिए कि लड़का ठीक है कि नहीं। अच्छा। बताइएगा आप। हाँ। कैसा लगा? हाय सर, हाय। एक्चुअली क्या कि मैं इधर लड़की देखने आया है, आपने किसी लड़की को देखा है? हम यहाँ हैं। ओह चुचु उधर है। ये कौन अंग्रेजों के मौजे जैसा मुँह इसका, ये तुमको देखने है? आप इधर है तो आपने किसी लड़की को देखा है? अरे हम ही है लड़की, गुड़िया लॉन्ड्री वाली। Oh my God, गुड़िया लॉन्ड्री वाली! I can't believe it. Fit, पतली, slim, लड़कियां वैसे भी मुझे पसंद नहीं थी। I like your personality. हम आपको बोले थे पहले ही, कोहिनूर की कदर ना जरूर किसी डॉलर और पाउंड वाले को ही होगी, यहाँ पे नहीं होगी। वैसे एक बात बताइए, आप आए कहाँ से हैं? बुल्गारिया। अब बुल्गारिया से हैं? नो नो, बुल्गारिया। किधर से आया था मैं? किधर से? अब जब मैं आ गया तो बताओ मैं तुम्हें पसंद हूँ? ये हम नहीं बताएंगे। आप थोड़ा इनको इम्प्रेस कीजिए, ये बताएंगे। इनको इम्प्रेस। ओके। ये बातें छोड़िए, हमें बताइए काम क्या करते हैं आप? मैं उनके अंडर काम करता हूँ। किनके अंडर? उन का फैक्ट्री, उसके अंडर काम करता हूँ। उनके फैक्ट्री के अंडर काम करता हूँ। स्वेटर बनाता हूँ, स्वेटर। ये स्वेटर आप कंप्यूटर पे बनाते हैं? ना ना, बनाते वक्त मेरा हाथ कांपता है। आप कितने डेलिकेट हैं। आपको देख के तो हम कांप रहे हैं। नो बेबी, तू मत कांपना वरना भूकंप आ जाएगा। नो नो, I'm kidding कर रहा है, kidding। नहीं नहीं, शादी से पहले no kidding। पहला शादी होगा, फिर एक किडिंग के, दो किडिंग के, तीन किडिंग और बाद में डिसाइड करेंगे। ओके, इट्स ओके। एक्चुअली क्या है कि मैं अकेले में बात करना चाहता है। नहीं, अकेले में बात करेंगे तो सुनेगा कौन? नो बेबी, हम चाहता है कि हम दोनों अकेले में बात करें। दो लोग हैं तो फिर अकेला कैसे हुआ? कितना भोला है तुम। यही भोलापन तुम्हारा मैं खत्म करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है, चांद तोड़ सकता है, तारा तोड़ सकता है। तुम्हारे नाम का हमारा दिल धड़कता है। गुड गुड गुड़िया, गुड गुड गुड़िया, गुड गुड गुड़िया। हमको ये लड़का पसंद है। हम आपसे शादी करने के लिए तैयार हैं। ओके बेबी, लेकिन मेरी एक छोटी सी शर्ट है। अरे छोटी शर्ट हो, बड़ी शर्ट हो, सब धो देंगे। हमारा कितना प्यार है, सच में तुम बहुत ज्यादा प्यार है। हमारा जोड़ी बहुत जमेगा। हम कपड़ा गंजा करेगा, तुम उसको धुलेगा। तुम खाना पकाएगा, हम खाएगा। तुम आराम से काम पे जाएगा, हम मेहनत से सोएगा। बेबी, तो तुम हमारा मेहरारू बनने को तैयार है? मेहरारू? एक मिनट, मेहरारू कौन जिला? दरभंगा। दरभंगा आया, हमसे पहचान गए। तुम इतना देर से हमको झूठ बोल रहे हो, और क्या क्या झूठ बोले तुम हमको? बस इतना ही झूठ बोला कि तुम खूबसूरत हो, तुमसे शादी करना चाहता है। तुमको इतना सेंस नहीं है गुड़िया कि मैं तुमसे शादी करेगा। सेम्बोरी खेम्बोरी गेंडा। हम तुम्हारे बहाने स्टार से मिलने आया था। मैं इसी बहाने आया था। चीकू जी कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ। I love you sir. You love me? अरे बाप रे! I love your work sir. Oh yeah, that's great. समझ गए हम, समझ गए। शक्ति कपूर जी, आप सिर्फ फिल्म में बोले थे ना कि आप आंखें निकाल के गोटियाँ खेलते हैं। हम आज खेलेंगे। नहीं यार, आज गोटियाँ कीजिए। आंखें निकाल के आज गोटियाँ खेलेंगे। असरानी साहब, आजकल सोशल मीडिया पे फोटोग्राफ्स डालते हैं ना लोग, तो नीचे कमेंट्स बड़े मजेदार आते हैं। अच्छा, कुछ मैंने फोटोग्राफ्स निकाल के रखी, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए आप लोग क्या क्या लिखते हैं। अच्छा। मजेदार बातें दिखाई जरा। ये शक्ति सर ने फोटो डाला है। अच्छा। ट्रेवल बडीज, यूके डायरीज, साथ में मुकेश ऋषि साहब हैं। आइए कमेंट्स देखते हैं। जो लोग यूके को यूनाइटेड किंगडम समझ रहे हैं, उनको मैं बताना चाहता हूं, मैंने इनको अभी अभी उत्तराखंड के बस स्टैंड पे देखा है। किसी ने लिखा, दो भारतीय यूके में सस्ता होटल तलाशते हुए। शक्ति सर, इनके हाथ की खीर मत खाना, भानु प्रताप के मुंह से भी झाग निकल गई थी। सूर्यवंशम की बात कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। आप दोनों शरीफ आदमी एक साथ, मुझे यूके नहीं ये बैंकॉक लग रहा है। और दिखाइए। टीकू सर ने ये फोटो डाला है, केसर द न्यू लव ऑफ माय लाइफ। वाओ। ये घोड़े का नाम है टीकू सर, केसर। यस। आप करते हैं टीकू सर हॉर्स राइडिंग? नहीं, मैंने ट्राई किया था लेकिन नहीं हो पाया। घोड़ा मेरा वेट नहीं। आपसे नहीं हो पाया, घोड़े से नहीं हो पाया। आइए देखते हैं कमेंट्स। घोड़ा बिल्कुल मुस्कुरा नहीं रहा, लगता है किसी और का खोल के लाए हैं। टीकू जी सोच रहे हैं, काश ऐसी जॉ लाइन मेरी भी होती। क्या बात है। किसी ने रिप्लाई किया है, नहीं भाई ये देख रहे हैं इतना लंबा मुंह है, शेविंग का खर्चा कितना आता होगा। और दिखाइए। ये पेंटल साहब ने फोटो डाला है, नॉस्टैल्जिक इवनिंग विद ओल्ड फ्रेंड्स। आइए देखते हैं कमेंट्स इसके। आप सच में दोस्त हैं या हमारी तरह चार ड्रिंक के बाद बोल रहे हैं तू मेरा भाई है? फोटोग्राफर को देखते ही सुभाष घई साहब ने ग्लास रख के पकौड़ा उठा लिया। पीछे बार के पास अनूप जलोटा जी खड़े हैं, आज वो लोटा नहीं ग्लास भरेंगे। सर सावधान रहना, आपके पुराने दोस्तों में एक शत्रु भी है। क्या बात। और दिखाइए। शक्ति साहब ने फोटो डाला, लास्ट इवनिंग वाज नाइस मीटिंग ओल्ड फ्रेंड्स। दिखाइए नीचे कमेंट्स। गरम पूड़ी ना मिलने पे नाराज बराती। एक लिफाफा देकर 6 प्लेट उठाने वाला गैंग। इतने सारे विलन बारात में आए तो दुल्हन तो क्या उसका बाप भी बाहर ना आए। और दिखाइए। ओहो टिकू सर वाह, ब्रेकफास्ट राइड टू आहूरा। वेयर इज आहूरा? आहूरा इज नियर तलासरी ऑन द गुजरात हाईवे। अच्छा आहूरा। दिखाइए नीचे कमेंट्स। महंगी बाइक पे अक्सर लोग बिना हेलमेट फोटो खिंचाते हैं ताकि लोग देख सकें बाइक किसकी है। मुझे समझ नहीं आ रहा आपको राइड की ज्यादा एक्साइटमेंट है या ब्रेकफास्ट की? दोनों की। सर मैं धूम जैसी ही एक फिल्म बना रहा हूँ, मेरे पास ऋतिक का बजट नहीं है, कृपया अपना नंबर डीएम करें। जब पड़ोसन कहीं ड्रॉप करने को बोले तो स्कूटर चलाने वाला बंदा भी स्पोर्ट्स बाइक निकाल लेता है। ओह और दिखाइए। ब्रेकफास्ट और राइडिंग तो बहाना है जनाब, अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड से मिलने आए हैं तभी इतना मुस्कुरा रहे हैं, ये तो वैसे ही मुस्कुराते रहते हैं। और दिखाइए। पेंटल साहब ने फोटो डाला, वन ऑफ द गोल्डन मोमेंट्स विद देव साहब। आइए कमेंट्स देखते हैं। देव साहब भी लाइक, भाई हीरोइन से ज्यादा क्लोज मत हो, फिल्म का हीरो मैं हूं। देव सर इनको समझा रहे हैं खाना सबको मिलेगा, धक्का मुक्की करने की कोई जरूरत नहीं है। और दिखाइए। शक्ति सर ने फोटो डाला, ट्राई स्टेइंग फिट देन यू आर हिट। क्या बात, क्या बात। दिखाइए कमेंट्स। बताओ इतनी जवानी में लड़की के घुटनों में दर्द है। और दूसरे हमारे शक्ति साहब जो सीधे खड़े हैं, इसे कहते हैं च्यवनप्राश की ताकत। महंगी गाड़ी हो और साथ में खूबसूरत लड़की तो बंदा विलेन होके भी जेम्स बॉन्ड लगता है। सही है, सही है। लगता है शक्ति जी लड़की को कार में बिठा के नहीं, उससे कार में धक्का लगवा के लाए हैं, तभी उसकी कमर में दर्द है। और दिखाइए। खत्म। वेरी बेटी, वेरी वेरी वेरी। कुत्ते से आपको यकीन नहीं हो रहा? आपके सामने बैठे हुए हैं। ये क्या हाल बना के रखा आपने अपना? वो सब छोड़ी सर, मेरे 2000 रुपए दे दीजिए, मैंने इनका फेशियल किया है। ये 150 रुपए के मुंह पे 2000 का फेशियल। पैसे पैसे। एक मिनट, तेरे 2000 रुपए मिल जाएंगे, चिंता मत कर। वो शक्ति जी बैठे है ना और टीकू जी बैठे, उनके ड्राइवर्स के साथ बैठ के जाके वहाँ ले। जब ये फ्री हो जाएंगे ना तो तू दिलवा दूंगी मैं। जा रहा है कि नहीं? चल। ये क्यों देंगे आपके लिए पैसे? अच्छा जी, ये क्यों ना देंगे? अरे जिनके लिए मैं ब्यूटी पार्लर से सज धज के आई हूँ, उसके पैसे यही ना देंगे तो कौन देंगे? मुबारक है। मुझे क्यों? जी ब्लश करने लगे देखो आप। पता है असरानी जी, मैं ना दामाद जी को कह रही थी हफ्ते भर से कि मेरे शक्ति टीकू आएंगे आएंगे, देखिए आ गए। मैं आपको 2000 रुपया दूंगा दूंगा दूंगा। असरानी साहब ये मेरी ना मुंह बोली सास है, ये परेशान करने आ जाती हैं ऐसे ही। दामा जी ऐसे मत कहिए, आज मैं कुंवारी हूँ। क्या बात कर रही हैं आप? शक्ति जी देख रहे हैं ना आप? वो तो देख रहे हैं, बच्चों को मत दिख जाना, कहीं डर जाएंगे वो। ऐसा है दामाद जी, आप बीच में ना बोलिए, आज मेरे क्रश आए हुए हैं। टीकू जी पता है जब मैं 90s में हाई स्कूल में थी ना, तो हमारे स्कूल में छोटे बच्चों को टीका और हम गर्ल्स को टीकू कंपलसरी था। काश मैंने नाम बदल दिया होता। और शक्ति जी एक मिनट, आपके लिए भी मैं कुछ लेके आई हूँ। ये क्या है? ये क्राइम मास्टर गोगो है ना, आंखें निकाल के गोटियां खेलते हैं, तो मैंने कहा इन्हें गोटियां खेलनी होगी, ले चलूं। वैसे शक्ति जी मैं आपसे बहुत नाराज हूँ, आपने मुझसे मिलने में इतनी देर कर दी। जवानी में मिले होते ना तो आज हमारे घर में छोटे छोटे कंचे गोटियां खेल रहे होते। छोटे मोटे। और अगर उन्हें चोट लग जाती तो वो आई मम्मी ना कहते, आओ मम्मी बोलते। शर्म आनी चाहिए, आप इतने अच्छे आपके वो पति हैं गोलमटोल से, और आप इधर फ्लर्ट कर रही हैं उनके साथ, शर्म नहीं आती आपको? शादीशुदा है आप? अरे शादीशुदा हूँ मैं दामाद जी, आपको पता है शादीशुदा हूँ, ये शक्ति जी को पता है, लेकिन शक्ति जी की नीयत को थोड़ी पता है। शक्ति जी आप मुझे बस अपनी लॉलिता ही समझें। मैं दो लाइनें बोलूं बीच में प्लीज? देखिए क्या इसमें कसूर मेरा नहीं, कसूर देखिए भगवान ने सबसे पहले दुनिया बनाई, भगवान सो गया, उसके बाद आदमी को बनाया, भगवान फिर सो गया, उसके बाद भगवान ने औरत को बनाया, ना खुद सोया ना हमको सोने दिया। शक्ति जी भले ही मेरी शादी हो गई हो, लेकिन आज भी मैं अपने पति में ना आप ही को ढूंढती हूँ। ये अपने पति में आपको ढूंढ रही हैं, पति इनमें ढूंढते रहते हैं, पत्नी है कहाँ। और ये दोनों पति पत्नी मिलके खाना ही ढूंढते रहते हैं, हमारे घर में इतना खाते हैं ये लोग। अरे इतना कुछ नहीं खाते हम, कुछ भी। इतने भूखे हैं ना सरानी साहब, ये उस दिन मैंने कहा यार खाना बाहर से खा लो, हमारी गैस खत्म हुई है, बोलते कच्चा आटा दे दो, हम खा के धूप में बैठ जाएंगे। ये ऐसे लोग हैं। फूलमती। अरे बड़े भैया, बड़े भैया मैं तुम्हारा पति हूँ। बड़े सैया अभी तुम्हारी ही बातें कर रहे थे मैं। अच्छा आप हमारे बारे में बात कर रहे थे, तभी मैं सोचूं नहाते वक्त मुझे हिचकियाँ क्यों आ रही थी। तो हिचकी आएगी नहाते हुए, शर्म तो आपको आती नहीं। 8 महीने से ये लोग बेटी के घर में पड़े हुए हैं, ये कट्ठे कहीं जाते भी नहीं, कहीं मैं पीछे से ताला न लगा दूं। अरे हम जाते इसलिए नहीं कहीं चोर ना आ जाए। असरानी जी बोलिए आप लोगों के होते हुए उनको कहाँ मौका मिल सकता है बेचारे को। लोग बेटी की शादी में शगुन लेके आते ना, ये वैक्यूम क्लीनर लेके आए, क्योंकि लोग पैसे लुटा रहे थे, ये खींच रहे थे, ये ऐसी ऐसी हरकतें करते, मैं क्या बताऊँ आपको। पेंटल जी आप ही बताइए लड़की की शादी में कितना पैसा लगता है, अगर हम वैक्यूम से खींच भी रहे तो इसमें क्या बुराई है। कौन सा पैसा लगा आपका? मुझे ये कहते हैं शादी वाले दिन कि आइए 2 एकड़ में टेंट लगाए, बेटी की शादी करने। अंदर गया 2000 सामूहिक शादियां हो रही थी उधर। लेकिन एरिया 2 एकड़ का था कि नहीं? एरिया तो आपका भी 1 एकड़ से कम नहीं भाई साहब। चिल्लर जैसी बेटी चिपका दी आपने झूठ बोल के। भैया दामाद जी ऐसा है, शादी के रिजल्ट का तो मैं क्या बताऊं, मैंने भी सोचा था कि मेरे को शादी के बाद टीकू जी जैसा कोई मिलेगा, ये सड़ा चीकू जैसा मिल गया। ये देख लो नखरे इनके, उबली हुई रवीना टंडन। ओह माय गॉड। अच्छा अरे हंस क्यों रही है, वो मजाक उड़ा रहा है तुम्हारा। उबली हुई बोला, उबली हुई बाद में रवीना टंडन भी बोला। अरे बहुत टाइम हो गया, मैं आप लोगों को एक बात ही बोलना भूल गया जी। गेट आउट। आप हमारे मेहमानों का टाइम खराब कर रहे हैं आप लोग। कोई टाइम खराब नहीं कर रहे हैं हम। एक मिनट शक्ति जी मैंने आपके लिए कुछ तैयार किया है। कौन है ये मेंढक कच्छा पहन के क्यों घूम रहा है? पांडू सबका नांदू। हाय हाय इतना गंदू। शक्ति जी कैसा लगा मेरा नंदू? अरे वो करके दिखाना जो सिखाया था। पांडू सबका नंदू। आह आह अरे वाह ओए हमारे मेहमानों से दूर रहे मैं नाड़ा घुमा के ना फेंकूंगा जाके कौन बनेगा करोड़पति के सेट पे गिरेगा देखो जीजा जी के बात का बुरा नहीं मानना जाके शक्ति जी के पांव छू लेना और उनसे शगुन के 5000 रुपए ले लेना खबरदार अगर हाथ लगाया तो शक्ति जी के पैरों को ये सर जी नए फ्रॉड लोग हैं ये नए नए तरीके ढूंढते हैं पैसे मांगने के शर्म नहीं आती आप लोगों को शर्म क्या आया अभी हमारी स्कीम का आपको पता चल गया है तो जो खुशी से देना है वो दे दो उसको बेचारे को दे दो सर ढंकी चिक्की दे लोनावला से कोई ढंकी चिक्की ले आते इससे ये क्या लेके आए हो जरा शांत रहो दामाद जी एक मिनट आप में से किसी को पसंद आया ना मेरा नंदू तो गोद भी ले सकते हैं ये गोद क्यों लेंगे ये तो पैदा होने के बाद नर्स ने गोद भी नहीं लिया था इसको ये तो अब सर इसके हाथ पैर निकल आए हैं नहीं तो जब पैदा हुआ था 1 महीने तक लगता रहा अदरक हुआ है हाँ ऐसा था अरे ये तो अच्छा हुआ वो रोया वरना हम इसको कूट के चाय में डालने वाले थे देखो जीजा का ठीक है वो हमें खाना देता वो कुछ भी बोल सकता है और तुम तो कुछ बोलो मत वरना मैं भी क्राइम मास्टर गोगो हूँ आगे निकाल के गोटियाँ खेलूंगा गोटियाँ गोटियाँ छोड़ो तुम सारी फैमिली छुपन छुपाई खेलो 50 साल तक छुप जाओ ताकि तुम्हारी मनहूस शक्लें मेरे सामने ना आए। अरे दामाद जी ऐसे मत करो हाँ मेरे फेवरेट कलाकार साहेब शक्ति जी हो जाए एक ललिता के साथ डांस अच्छा स्पेशल 26 आपने देखी है अक्षय कुमार साहब ज्वेलरी की दुकान लूट लेते हैं टिक्कू सर की फिर 1 और 1 11 में गोविंदा और संजय दत्त इनकी तिजोरी लूट लेते हैं फिर तकदीर वाला में रवीना टंडन की ज्वेलरी की दुकान लूट लेती है आपने कभी मैडम को कहा है अपनी वाइफ को कि देखो मुझे तो लोग लूटते रहते हैं कभी मैं ऐसी शूटिंग कर रहा हूँ तो तुम भी आ जाओ लूटने या कभी आप सोना खरीदते हैं आपको टेंशन होती है कोई लूट कर ले जाए सारे नकली जेवर होते हैं तो क्या उसको लूटने के लिए बनाओ सर मैंने सुना कि जब आप थिएटर करते थे टिकू सर जी तो आपने बताया नहीं था घर में किसी को नहीं बेसिकली उस जमाने में यू नो घर वालों को पता ही नहीं होता कि ये क्या कर रहा है तो पता कैसे चला फिर उनको फिर वो था कि मैं थिएटर करता था और प्रोफेशनल थिएटर में लग गया और फिर एक बार पिताजी हैंगिंग गार्डन पे गए थे और किसी ने उनको बोला कि ये टीकू तलसानिया है कौन अच्छा बोले मेरा बेटा है कुछ किया है क्या कुछ गड़बड़ की उसने बोले नहीं उसका एक प्ले चल रहा है बहुत अच्छा है अच्छा जी आपने देखा या नहीं तो बोले नहीं देखा उस दिन सुबह सुबह वो जलेबी गाठिया लेकर आया मुझे उठाया मुझे कहा उठ आज तेरी वजह से मैं पहचाना गया क्या बात है दैट इज वो एक मोमेंट है जो मैं जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगा क्या बात असरानी साहब एक बात बताइए जैसे आजकल सोशल मीडिया पे झट से पता चल जाता है कि अच्छा फिल्म को ये इतनी ओपनिंग लगी इतना रिस्पॉन्स आ रहा है उस समय तो सोशल मीडिया इतना एक्टिव था सोशल मीडिया था ही नहीं मतलब था ही नहीं तो आपको कैसे पता चलता था कि आपकी फिल्म कितना वर्क कर रही है कभी छुप के आप गए अपनी फिल्म देखने किसी थिएटर में नहीं ऐसा कुछ नहीं है मगर 2-3 एक्टर थे जिनसे मालूम पड़ता था कि फिल्म की वैल्यू क्या है जितेंद्र और ऋषि कपूर अच्छा जी ये इन्फॉर्मेशन थे पूरी जिंदगी की फिल्मों के जैसे फिल्म लगेगी कितनी खिड़की में कितना उसमें कितना तो एक फिल्म में एल.वी. प्रसाद साहब डायरेक्टर थे जितेंद्र आए अच्छा जी फिल्म का नाम था उधार का सिंदूर मैं भी था उसमें अच्छा मैं भी था हम लोग थे तो आए वो जितेंद्र बॉबी लगी थी अच्छा और एल.वी. प्रसाद डायरेक्टर तो उनको बोलते फादर उसको फादर बोलते फादर बॉबी खड़की में 22,000 पूना में 23,000 उसमें बोला जीतू डायलॉग याद है क्या तुमको अपना डायलॉग याद करो कोई भी किस्सा सुनाते हैं सरानी साहब माइंड ब्लोइंग वाह हम लोग दे दनादन फिल्म कर रहे थे एक साथ में मतलब हम लोगों के लंबे ब्रेक होते थे बहुत बड़ी कास्ट थी और आप जो किस्से सुनाते थे मतलब हम लोग हंस हंस के हमको जी नहीं करता था शूटिंग करने का उसमें मैं भी था एक और बात मैं बता दूं कि शक्ति इज वन ऑफ माय स्वीटेस्ट एंड ओल्डेस्ट फ्रेंड एंड आज आप सब यहाँ बैठे हैं मैंने आप सबके साथ काम किया है एंड यू आर सच जेंटलमैन ट्रूली एंड सच स्वीटहार्ट्स टू वर्क थैंक यू Stand up, please. Ah, yes. Happy birthday. Happy birthday. I take everything back. Very nice. Thank you so much. Here they go. Asrani साहब एक बात बताइए, handsome आप इतने प्यारे. हाँ. कोई ऐसे कोई पीछे नहीं पड़ गई आपके कि असरानी साहब आपसे ही शादी करनी कोई? हाँ. पड़ी थी. अच्छा जी. और मैं शूटिंग कर रहा था पहलगांव कश्मीर. वाह. और काफी नामी एक्ट्रेस, नाम नहीं लूँगा बेचारी मारेगी. वो पीछे पड़ गई. मैंने कहा देखिए मैं तो चरित्र अभिनेता हूँ. मैं कोई हीरो नहीं, ये नहीं, विलेन नहीं, कॉमेडियन को कोई देखता नहीं. फिर भी हीरो तो देखते कभी नहीं देखा कॉमेडी हट या गड. तो आप मुझसे क्यों चाह रही? बोले नहीं तू अच्छा लगता है लल्लू. तो मैंने कहने मगर ऐसा कुछ नहीं. चलो मैंने मेरा थोड़ा लगा कश्मीर है, ठंडा मौका है, मैं कुछ देख. तो बोलते देख लेना बाद में अपनी वाइफ को छोड़ तब मेरे बगल में आना. मैंने कहा क्यारी क्या. सर ये सवाल मेरे ये जनता जनार्दन के सवाल है जिन्होंने हमें भेजे हैं कि आप सब जो है इतने हंसाया लोगों को. तो कभी ऐसा हुआ किसी बात को आप सीरियसली बोल रहे हो और सामने वाला मजाक समझ बैठा हो? ऐसा होता है आपके साथ? हाँ कई बार होता है, ऐसा होता है. आगे बढ़ूं मैं अगला सवाल. कभी ऐसा हुआ किसी हीरो की इमेज को देख के लगा हो कि यार इससे हमारी नहीं बनेगी और बाद में सबसे ज्यादा उससे बनी हो? ऐसा होता है आपके साथ? ये मेरा काका जी के साथ हुआ था. राजेश खन्ना साहब के साथ हम लोग शूट कर रहे थे इन नटराज स्टूडियो. मैं उनके साथ नहीं शूट कर रहा था, मैं दूसरी फिल्म की शूट कर रहा था. और काका जी मिले एंड ही वाज अ नोन एक्टर, आई वाज एन एक्टर. एंड हमें इंस्टीट्यूट में ये सिखाया गया है कि रिस्पेक्ट द एल्डर्स. तो मैं बड़े प्यार से उनके पास हेलो करने गया. ही डिडंट एक्नॉलेज एंड वेंट ऑफ. अच्छा. तो मैं भी पंजाबी में गया हट करके. देन वी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर. अच्छा जी. और उसके बाद मुझे ये एहसास हुआ कि he was one of the finest human beings. Probably उस समय वो उस जोन में थे जहाँ उन्होंने मुझे देखा ही नहीं. Actually अपनी टेंशन में, अपने प्रॉब्लम में, कहीं somewhere he just didn't realize कि मैं हेलो कर रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ. तो वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग बाद में हमारी पूरी हुई. देन हम लोग वर्ल्ड घूमे, शोज पे गए. I was one of his favorite. अच्छा जी. आप और असरानी साहब ने कभी गए लाइव टूर किया आपने? नहीं लाइव शोज नहीं किया असरानी साहब के साथ. पर असरानी साहब आप अगर करें तो आप तो मेला लूट ले. लूट लेते हैं ना, लूट लेते हैं. मैंने बहुत शोज किए इनके साथ. एक छोटी सी बात बताऊंगा कि व्हाट आई हैव सीन असरानी सर कंपेयरिंग शोज एंड द बिग स्टार्स इन द शो. बिग स्टार्स मतलब जब उनका इंट्रोडक्शन स्टेज पे आना होता था तो असरानी जी कराते थे. जब आपके सामने मैंने उन स्टार्स को असरानी जी के पास कान पे जाते हुए सुना है. असरानी जी मेरा इंट्रोडक्शन थोड़ा इससे ज़्यादा अच्छा करना असरानी जी, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़. मतलब यू नो ही वाज सो गुड इन यू नो कंपेयरिंग शोज ऑल ओवर द वर्ल्ड. बिग हैंड टू असरानी साहब. असरानी साहब आपने तो लाइव शोज भी बहुत किए होंगे उस समय. तो कोई किशोरदा का किस्सा कोई मजेदार सा सुनाइए ना प्लीज. 4 लाइनें 5 जो जितना भी आपका मन. किशोर कुमार जी के साथ कलकत्ते में. अच्छा जी. बप्पी लहरी का शो. उसमें बाद में किशोर कुमार आने वाले हैं और मैं अनाउंसर हूँ. अच्छा जी. नेताजी सुभाष ऑडिटोरियम खचाखच भरा हुआ. तो बप्पी लहरी का इंट्रोडक्शन कर दिया हमने कि ऐसा किया वैसा किया. बप्पी लहरी आप इन्होंने हिंदुस्तानी म्यूजिक से करते करते रॉक एंड रोल ये वो बप्पी लहरी. 4 गाने हो गए 5 गाने हो गए. किशोर कुमार आके बैठ गए कि भाई तू असरानी. मैंने कहा सर ये 5वां गाना हो गया है, अभी आपको 2 गाने के बाद आना है तो मैं तैयार होता हूँ. शुरू हो गया और बप्पी लहरी गाए. 8वां गाना आ गया तो किशोर कुमार. फिर मैं गया वो रेस्टलेस हो गए, नवा गाना चल रहा है, क्या क्या कर रहा है असरानी, इसको हटाओ यार। मैंने अक्सर मैं कैसे करूँ, 15,000 आदमी बैठे हुए हैं और बप्पी लहरी के फादर आ गए, ना ना क्या गान है क्या गाता है, क्या गान है रे, हेरे बप्पी रे। 10वां गाना हो गया, अब क्या कर सकता। किशोर कुमार बोले अब तेरे बस का रोग नहीं बेटा, मुझे जाना पड़ेगा। अच्छा। अब ये खुद ही आए, मेरे को हटाया। किशोर कुमार जरा म्यूजिक बनाएंगे प्लीज। भपी रे भपी, अरे भपी रे भपी, अरे भपी रे भपी, तू जाता क्यों नहीं, तू जाता क्यों नहीं, अरे भपी रे भपी, तू जाता क्यों नहीं, अरे भपी रे भपी, अरे भपी रे भपी, जा 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 या या, भपी रे भपी, जा हे। हम और शौची बंगाली में शुरू हो गए। किशोर कुमार। दोस्तों एक बार जोरदार तालियां हो जाए असरानी साहब, शक्ति सर, पेंटल साहब और टिक्कू सर के लिए। और आज की शाम सर ये बड़ी यादगार हो गई है शाम, ऐसे मज़ेदार किस्से हमें सुनने को मिले और हमने अपने शो में हंसी मजाक के साथ साथ कभी कोई ऐसी जानकारी हो अगर जो हमारे दर्शकों को मिल सके, जो उनके लिए ज़रूरी हो। जैसे आजकल आए दिन सुनने में आता है कि कम एज में लोगों को कार्डियक अरेस्ट आ जा रहा है, और स्पेशली आजकल जिम करते हुए, वेट ट्रेनिंग करते हुए, कार्डियो करते हुए कुछ लोगों को कार्डियक अरेस्ट आया। सो ऐसे में उनके आसपास के लोग उस समय उनकी क्या मदद कर सकते हैं, इस विषय में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बॉम्बे हॉस्पिटल मुंबई से डॉक्टर गौतम भंसाली साहब। डॉक्टर गौतम आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। कपिल जी, जो आजकल सबसे बड़ा रीजन इन सब चीज़ों का है जो हम देख रहे हैं, पर ईयर अभी जो मैं लेटेस्ट डेटा आपको बता रहा हूँ, पर ईयर लगभग 12 लाख लोग, उसमें भी अधिकतर लोग वैसे हैं जो 45 के कम की एज के हैं, कार्डियक अरेस्ट की वजह से जा रहे हैं। और वो यंग लोग उसके अंदर ज़्यादा है। और इसका सबसे बड़ा जो कारण हम लोगों ने अभी देखा है, हम लोगों ने सर्वे भी किया है, उसमें सबसे बड़ा मेंटल स्ट्रेस। हर व्यक्ति, हर आदमी को, किसी को भी देखोगे कोई न कोई चीज़ का स्ट्रेस है। आपके कहने का मतलब ये है कि अगर हम सब अपने यार दोस्तों में बैठ के जो आप हंसी मजाक करते हैं, एक तो वो बड़ा ज़रूरी है अपनी लाइफ में। जी जी। बट डॉक्टर साहब भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो गया है जिम में करते हुए कोई, तो उसके आसपास के लोग किस प्रकार से मदद कर सकते हैं उनकी उस समय? जी डेफिनेटली कपिल जी, इन सब चीज़ों के लिए एक हमारा फाउंडेशन है गौतम बंसाली गोल्डन आवर फाउंडेशन चालू किया हमने, और उसमें हमने CPR ट्रेनिंग जो कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन कहते हैं, लंग्स और हार्ट, इसको कैसे रिवाइव किया जाए गोल्डन आवर के अंदर। शुरू का जो आधा घंटा होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो CPR ट्रेनिंग हमने उस वक्त से चालू किया, और हमने मुंबई में ट्रैफिक पुलिस वाले हैं, जिम में काम करने वाले लोग हैं, कस्टम वाले हैं, एयरपोर्ट वाले हैं, फ्लाइट अटेंडेंट है, ट्रैफिक पुलिस वाले, कॉलेज स्कूल है, काफ़ी जगह जाकर के हमने CPR ट्रेनिंग शुरू किया। और ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें ऐसा नहीं है कि डॉक्टर ही कर सकता है, एक नॉर्मल आदमी, लेमैन, हर आदमी सीख सकता है। मुश्किल से आधा घंटा 15 मिनट का ट्रेनिंग है, बट आप ये समझिए कि उसमें आप वो एक गोल्डन आवर होता है, अगर आप CPR ट्रेनिंग CPR देते हैं किसी को, एक आदमी की लाइफ बचा सकते हैं। साल के लगभग 12 लाख लोग, युवा लोग बच सकते हैं। माय गॉड। अगर आपने हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया, टाइमली ध्यान नहीं दिया, खाना पीना उस पर थोड़ा बराबर ध्यान नहीं देते हैं, प्रॉपर टाइम से योगा करना, मेंटल स्ट्रेस से दूर रहना, फैमिली के साथ टाइम बिताओ, आप दोस्त रखो, कुछ ऐसे दोस्त लाइफ में बहुत ज़रूरी होते हैं, जो जैसे आप सबके सामने देख रहे हैं यहाँ इतने सारे दोस्त लोग बैठे हुए हैं। दोस्त इतने ज़रूरी होते हैं जो आपके लिए एक स्ट्रेस बस्टर का काम करते हैं। सो स्ट्रेस बस्टर हम लोगों की लाइफ में बहुत ज़रूरी है, और मैं सबको बोलता हूँ, हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी इस बारे में लेटर लिखा, और हम लोग अभी प्लान भी कर रहे हैं कि जिस तरह से UK US में CPR ट्रेनिंग जो होती है वो स्कूल और कॉलेजों में सिखाई जाती है। Absolutely. इसी तरह से हमारे यहाँ भी हिंदुस्तान में भी स्कूल और कॉलेज के अंदर भी सारे बच्चों को CPR ट्रेनिंग सिखानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर गौतम इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, और उम्मीद है कि इससे बहुत लोगों को फायदा होगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग डॉक्टर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। आइए सर। तो कहने का मतलब है दोस्तों, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, अपना लाइफस्टाइल जो है वो अच्छा रखें, प्रॉपर नींद लें, सही समय पे खाए पिए, जंक फूड को अवॉइड करें, और खुश रहें और ये सबसे बड़ा मूल मंत्र है। और आज की महफिल जो है, आज हमारे मेहमानों के नाम एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। आइए असरानी साहब, शक्ति सर, पेंटल साहब, टिकू सर, आइए। सो दोस्तों, ऐसे ही खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हर शनिवार रविवार हमसे मिलने आते रहिए। गुड नाइट, शब्बा खैर, थैंक यू सो मच। फॉर मोर अपडेट्स subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.